सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंडला में 1261 करोड़ की लागत से 329 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजना का रिमोट की बटन दबाकर शिलान्यास किया, जो कि सभी सड़कें 2 लाइन की होगी। पुलिस लाइन ग्राउंड मंडला के इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एवं गोपाल भार्गव भी मौजूद रहे। इसी तारतम्य में मंडला से जबलपुर मार्ग जो पिछले कई सालों में भी नहीं बन पाया है, उसे भी जल्द पूर्ण करने की बात भी कही है, जिससे मंडला की जनता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसमें कान्हा नेशनल पार्क की सड़क को भी चौड़ीकरण होना भी तय किया गया है। राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखने वाली इस पट्टी का नाम है आपके गर्दानी से बदल दबाकर किया जा रहा है। कल परिवहन विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण और इस सभा में उपस्थित सभी हमारे यहाँ के नागरिक बंधु भाइयों यह हम सबके लिए और विशेषकर मंडला जिला के और बिंदौरी के नागरिकों के लिए जो जब आते हैं तो स्वागत उनकी बरसात कर देते हैं, लोग चकित रह जाते हैं कि इतना पैसा नितिन गडकरी जी कहां से लाते हैं। नितिन जी अपने केंद्रीय मंत्री, आपके लोकप्रिय सांसद, वरिष्ठ नेता माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ पंडित गोपाल भार्गव जी, मंडला के वरिष्ठ नेता आदरणीय भीष्म द्विवेदी जी, संजय कुतराम जी, नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद जी, मंडला सिंह और नीचे बैठे हुए सभी वरिष्ठ साथीगण स्कूलों में पढ़ते हैं और घर जुड़े जिलों में मैंने कम से कम 40 लाख पूरे आदिवासी विभाग का हमारे वनवासी बंधुओं का विकास नागपुर में शुरू किए। शिवराज जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके लिए एक बार आप पहल करिए। हमारे वीर जाति की गाय 1952 में ताजी गई थी, उसका जो पुरानो नाम का भूल था उसका सीमेंस हमने अभियान है वैसे अब हासिल की है कि घर को बदलने टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब गोरी की योजना हमारे यहाँ नागपुर में, और अब हम 2 लीटर के गाय से गोरी होगी और वो 20 लीटर की होगी। ये टेक्नोलॉजी हमने लाई है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश में भी लाइए ताकि मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।